मैं हूँ समो समुद्र की रसोई में। दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी बट के लिए साबुदाने बड़े, तो आप भी बनाना और अपने घर वालों को भी खिलाना बना के बट में। और ये देखिए कितने सॉफ्ट बने और बाहर से क्रिस्पी बनते हैं। ये मैंने 200 ग्राम साबुदाने ले लिए थे और इनको 5-6 घंटों के लिए भिगो के छोड़ दिया था। और ये देखिए कितने खिले खिले अपने साबुदाने हो गए हैं और फूल के। और एक आपको दबा के भी दिखाती हूँ, ये देखिए अच्छी तरह मैस हो रहे हैं। अब इसके अंदर अपन कुछ चीजें डालेंगे। ये धनिया पत्ती डाल रही हूँ, 2 हरी मिर्ची, अदरक, और आप जो भी बर्तन में खाते हो स्किप भी कर सकते हो। और ये मैंने 2 उबले हुए आलू लिए। अब इसमें मसाला डालेंगे, इसमें ज्यादा मसाला नहीं पड़ता वैसे तो बर्तन वाले में। अगर आप नॉर्मल वैसे बनाओ तो आप और भी इसमें मसाला डाल सकते हो। ये मैं डाल रही हूँ सिंधा नमक 1 चम्मच और 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर। बाइंडिंग के लिए डाल रही हूँ मूंगफली का पाउडर। मैंने मूंगफली को सेक लिया था और उसके छिलके उतार के और इसको पीस लिया दरदरा, 2 चम्मच डाली है अभी तो मैंने। और इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। एक बार अपन नॉर्मल बनाए थे उसमें लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला वो भी डाल सकते हो। इन बर्तन में सब चीजें खाते नहीं। मसाला आप टेस्ट के अनुसार भी डाल सकते हो। ये सभी चीजों को मिक्स कर लिया है और आप ऐसे बना के देख सकते हो कि अपना अच्छी तरह बन रहा है क्या। अब इस थोड़ा सा पे तेल लेंगे जिससे चिपके नहीं, और इसके अपन बड़े बना लेंगे। साइज में आप बड़े छोटे अपने हिसाब से बना सकते हो। और ये कनारी से बिल्कुल सेफ में होने चाहिए, नहीं तो क्या तेल अंदर घुस जाएगा बड़ों के। और कसा दबा के इस तरह के बनाने, इसी तरह में बाकी भी बनाने। सभी बना के तैयार कर लिए हैं बड़े। अभी गैस ऑन कर दिया है, इसके तेल चढ़ा दिया है। डीप फ्राई नहीं करेंगे, सोलो फ्राई करेंगे अपन। तेल गर्म हो गया है, इसके अंदर डाल देंगे। और आंच अपन ज्यादा तेज भी नहीं रखेंगे और कम भी नहीं रखेंगे, एक साथ जितने हैं उतने डाल देंगे। और इसको सिकने साइड से अपने सीख गए तो पलट देंगे। और मेरे वीडियो पे दोस्तों आप न्यू हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करना जिससे मेरे आने वाली वीडियो की आपको नोटिस मिलते रहे। अब अच्छी तरह इस तरह ही ब्राउन उस साइड से कर लें। इनको अच्छी तरह सीख गए अपने, तो इनके प्लेट में निकाल लेते हैं। बाकी भी मैं इसी तरह सेक लो। देखिए सभी साबुदाने बड़े बना के मैंने तैयार कर लिए हैं। अब ये प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ आपको। ऊपर से देखिए एकदम क्रिस्पी है और अंदर से सॉफ्ट है। इनके साथ मैंने बनाई है हरे धनिया की चटनी बर्त वाली, तो आप भी खाइए और अपने घर वालों को भी बना के खिलाइए।